नमस्कार। आज हम बनाएंगे पर्सपेक्टिव और आई लेवल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है सेंटर के अंदर पेज के। कुछ इस तरह से, और इसका एक सेंटर लेना है हमें, जिसे हम वैनिश पॉइंट भी कहते हैं हमारे आई लेवल पे। जब भी आप किसी बीच पे जाते हैं तो आपको जो हॉरिजॉन दिखाई देता है वो हमारे आई लेवल पे होता है। इसी तरह से हमने अपने राइट हैंड साइड पे एक और स्क्वायर बनाया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक और स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अभी हम ये स्क्वायर्स जो हैं वो सभी एक ही साइज़ के ले रहे हैं। ये हमने अपने आई लेवल के अकॉर्डिंग 3 स्क्वायर्स बनाए हैं। अब हम इसके नीचे इसी तरह से 3 स्क्वायर्स बनाएंगे। सेंटर, राइट, और एक और जो हम बनाएंगे वो लेफ्ट में होगा। इस तरह से अब सेम हम टॉप पे बना रहे हैं, सेम 3 स्क्वायर्स। जी, अब हमने ये 9 बॉक्सेस बना दिए। सेंटर में जो हमने डॉट लिया था वो हमारा वैनिश पॉइंट है, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसे। अब इसी से हम, अगर हमें आई लेवल से ऊपर देखना है तो हम उसे एंट व्यू बोलते हैं। कि एक चींटी जब देखती है तो उसको सब चीज़ें नीचे से दिखाई देती है और सब उससे बड़ी नज़र आती हैं, ऊपर की तरफ नज़र आती हैं। तो इस तरह से हम उसको वैनिश पॉइंट से उनके कॉर्नर्स को ज्वाइन करके, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एंट व्यू से अगर हम किसी बॉक्स को देखें तो वो कैसा दिखता है। अभी हम आपको बॉक्स से सिखा रहे हैं, उसके बाद हम इसी में पर्सपेक्टिव सिखाएंगे आपको। ये भी एक मेथड पर्सपेक्टिव का है कि वैनिश पॉइंट से जो चीज़ हमारे पास होती है वो बड़ी दिखाई देती है, जो वैनिश पॉइंट की तरफ होती है वो छोटी दिखाई देती है। उसी सेंटर पॉइंट से डायगोनल लाइन लेते हुए ऐसे इसमें सेंटर वाले में जो है वो फ्रंट और बेस नज़र आ रहा है, बट जो राइट हैंड साइड पे है उसमें फ्रंट, बेस और साइड नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ फ्रंट, साइड और बेस नज़र आ रहा है। अब यही अगर हम आई लेवल पे देखें, जो मेरी आंखों के सामने अगर कोई बस खड़ी है तो मुझे उस बस का टॉप नज़र नहीं आएगा, बेस नज़र नहीं आएगा, उसका फ्रंट और साइड नज़र आएगा बस, कुछ इस तरह से। इसी तरह से मैंने सेकंड साइड भी दिखा रहे हैं, सेंटर से ही उसी वैनिश पॉइंट से।
इसके डार्क कर देते हैं स्केच पेन से ताकि आपको ये प्रॉपर विजिबल हो। अब आपको एंट व्यू दिखाया, आई लेवल दिखाया, अब आपको बर्ड व्यू दिखा रहे हैं। अगर बर्ड है मतलब अगर आप किसी बिल्डिंग पे भी खड़े हैं तो आपको अगर सामने से आती हुई जो बस है वो कैसे दिखेगी, वो इसके अंदर दिखाया गया है कि उसका टॉप और फ्रंट दिखाई देगा आपको। ऐसे ही अगर वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है तो वो कैसी दिखाई देगी। कुछ इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये आपको अच्छे से नज़र आए। ये आपका आई लेवल है। ये आपका बर्ड व्यू है। और ये आपका एंट व्यू है। अब इसकी जो बहुत अच्छी मजेदार बात है कि अगर मैं इसको घुमाऊं पेज को तब भी ये एक जैसा ही दिखेगा। ये देखिए मैं घुमा रहा हूं। अब इसका जो साइड था, इसका जो टॉप था, सब देखने में वैसे ही नज़र आता है। ये देखिए, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से देखें तो ये बर्ड व्यू में बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं कि आप एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, कुछ 9 बिल्डिंग्स हैं, वो ऐसे नज़र आएंगी आपको। Art inside you. ये आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।